शिक्षा मंत्री का विरोध किया जा रहा है किसानों द्वारा। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, देखिए बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसानों ने देखिए बैरिकेड तोड़ दिए हैं, आपको मैं लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। देखिए विरोध बढ़ता चला जा रहा है, आपको दिखा रहा हूँ। शिक्षा मंत्री का विरोध किया जा रहा है, आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरों में। देखिए किसानों द्वारा देखिए बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं, आपको मैं लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, देखिए बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं किसानों द्वारा। शिक्षा मंत्री का विरोध किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अम्बाला शहर में शिक्षा मंत्री जी ने आना है यहाँ पर। यहाँ आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है और कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, ये देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, लाइव बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं, साइड में फेंक दिए गए हैं बैरिकेड, उसकी मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं प्रशासन किसान आमने सामने, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, आप देख रहे हैं प्रशासन नो निवेदन है। सुखविंदर किसी ने नहीं बोलना, सुखविंदर सुखविंदर पीछा जो, सुखविंदर सुखविंदर बोलना नहीं है, पीछा जो पीछा जो पीछा जो तस्वीरें देख रहे हैं। ट्रैफिक पीछा ट्रैफिक ट्रैफिक प्रशासन देखा है, हम देखा नहीं बिना बोलो के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। उसके माध्यम से आप देख रहे हैं किसान और देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं आमने सामने, आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं। माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सीधी सीधी बात कही जा रही है, सीधी सीधी बात कही जा रही है, हम बैरिकेड तोड़ेंगे और सीधे सीधे पानी चलाएंगे, अपने खुशी खुशी सहने ताकि हम दुनिया को सेध दे सका कि हमने अपने पर तसल्लुक बढ़ाया, हमने कानून हाथ में नहीं लिया है, हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे, प्रशासन काम रोकने गए आंसू देश गिरेंगे, जो मर्जी गिरा दबना नहीं है, पानी की अपने इंतजाम रखे, इनके कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए प्रशासन और किसान कहीं ना कहीं आमने सामने हैं। मैं लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूं, देखिए बैरिकेड लगा दिए गए थे, उसे कहीं ना कहीं उखाड़ कर फेंक दिया गया है, उनकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं अम्बाला पोस्ट के माध्यम से। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए मैं जो बैरिकेड है कहीं ना कहीं उखाड़ के साइड में फेंक दिए गए हैं, उसकी मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अम्बाला शहर में शिक्षा मंत्री का विरोध किया जा रहा है, उसकी मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं लाइव शिक्षा मंत्री कमर पाल शिक्षा मंत्री कृष्ण पाल कह ना बड़ा आना आया, लोगों ने सुन जाना आया, आओ समझाओ, पर यो नहीं है के थंब हजारों की तादाद में और अभी खड़ा देंगे हरमानू मारने वास्ता, इन तो लोग समझाने चाहिए, समझा कर बैठे बैठे समझाने चाहिए भाई, यहाँ ना आइयो थारे पले वास्ता है रेगा, अगर मारे पले वास्ता आंदा हमने बिल्कुल नहीं उड़ा दे, इन्हें हमारी जमीन ना खोसने की कोशिश करी है, तीन काले कानून लागू कर दे बिना पूछो, और उन्हों हम एक तो क्या हम तो 1% भी नहीं सह सकते उन कानूनों, क्योंकि मेरा किसान तो पहले ही कर देता था दबिया होया, थरे ने चिट्टी दाढ़ी वाले ने 56 रैलियां में कह दिया करा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा और कर्जा मुक्त करूंगा थानू, आज तक
इन्हें किसानों की जोर से मारे 400-500 शहीद हो गए ना, उनके बारे में एक लफ्ज भी बोले जो कर्जा अरे यार स्वामीनाथन रिपोर्ट तो कहां देगा। पर हम किसान यूनियन तनु यो कह रिया अगर 2024 तक तो बैठा रहा तेरे पते कर्जा भी मुक्त करावांगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लेंगे, तीनों काले कानून वापस भी करावांगे और एमएसपी गारंटी कानून भी तनु देगा जाना था बैठगा देख 2024 तक हम भी वहीं बैठे हैं। जे तेरे में दामा तो मैं हथ लाएगा दिखा और जब मारे में दामा 2022 के अंदर तनु 5 स्टेटा के नाम लाया हार जीत इस चीज की। सर अभी क्या बात हुई है, लाठीचार्ज की बात की जा रही है, क्या कहना है इसका? एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी, इन्होंने बैरिकेड लगा रखे थे आके, हमने कहा इनको बैरिकेड हटाओ एम्बुलेंस निकलने दो, इन्होंने जान का बदनाम हटाया नहीं। डीएसपी साहब का फोन आया करे आपने सड़क जाम कर रखी, मैं कहा बिल्कुल मना कोई सड़क जाम नहीं कर रखी है, सारे बंदे ने देख लो पीले रंग के बैरिकेड ऊपर पुलिस लिख रखे उसके ऊपर, हरियाणा पुलिस लिख रखे उसके ऊपर, इन्हीं ने बैरिकेड लगाए हैं। हम तो सिखो पंप के पास खड़े थे, राम पे विरोध करेंगे, किसी ने कुछ नहीं कहना है। जब इन्हें बैरिकेड लाए जब हम इधर आए हैं और मैंने पहली कह दिया था अभी 200 मीटर से विरोध नहीं होना, सिर्फ 2 मीटर से विरोध होना, 2 मीटर जा भी। आज भी कोई पुलिस जो है एक हथियार के दम कर सकती है आपके? बिल्कुल आज भी पुलिस का रवैया गलत रहा, डंडे मारे देख लो आपके ऊपर, कहीं मारे मेरा पुलिस वाले ने, चल कोई ना लगाएंगे दो डंडे, कोई बात नहीं, मानो इन डंडे का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह के डंडे को मारा लगते रहे हैं, पर डंडे खावांगे जरूर, डंडा मार देने है किसी का, पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, जो भी यहाँ आवागा इतना तक उसका विरोध करेंगे, जितना तक तीनों काले कानून वापसी होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं सरकार किसानों को दी, ये विरोध इसी तरह जारी रहेगा चाहे 2024 क्यों ना हो। जयसिंह जी जबकि पहले ही किसानों ने कहा था कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता होगा या बीजेपी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम रहेगा आप लोग उसका विरोध करेंगे, हम आज के प्रोग्राम का, हाँ हाँ हम आज के नहीं कह रहे ये बात, हम 9 महीने 1 साल तो मैं 7 जुलाई हो जाएगा यही बात कहते कहते कि भाई जत्ती जो तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं सरकारों सरकार किसानों ने नहीं दी है, यह विरोध इसी तरह जारी रहेगा चाहे वह गांव हो चाहे वह शहर हो चाहे कोई मोहल्ला हो, इसी तरह रहेगा 2024 तक। तो दर्शकों के एन मीडिया से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किसान किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम K9 मीडिया से, उसी को लेकर आज यहाँ पर जो है विरोध जताया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त की बिल्कुल सीधी तस्वीरें अम्बाला पोस्ट के माध्यम से, अम्बाला शहर के पंचायत भवन के बाहर से जो है आपको बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही है। K9 मीडिया से आप लाइव तस्वीरें देखिए, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बिल्कुल आमने सामने हो चुका था और कहीं ना कहीं पूरी टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी थी, उसकी हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। K9 मीडिया से आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, तो एक और जो है लाठीचार्ज भी कर दिया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, देखिए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज थोड़ी देर पहले ही कर दिया गया था, आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, देखिए पंचायत भवन अम्बाला शहर के पंचायत भवन पर जहां पर शिक्षा मंत्री ने आना था वहां पर उनका विरोध किया जा रहा है किसानों द्वारा, उसकी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन और ये किसान आमने सामने हुए, आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। सारा बने हुए सीएम प्रोग्राम नहीं कर सकता, हम मंत्री बन भी गए हम प्रोग्राम करते हैं, अगर मैं दुख पिया लोगों ने धरती बड़े प्रोग्राम प्रशासन बड़ा के साथ नहीं तो इनका कर्नल गद्दाफी वाला हाल होगा, ईरान के सदाम जैसे उसमें कैसा हाल होगा, आज इन्होंने समझ क्या रखा है, क्या एसपी साहब आईपीएस है वो उनको पता नहीं, इनका जालो जलाल कैसा है, अरे ये तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, आईएस आईपीएस लोगों को यह देख दिया गया,
जितना किसानों पर जुल्म करोगे उतना ही आपने तरक्की की जाएगी। नहीं है उदाहरण दिल्ली में जाके देख लो, गुजरात में जाके देख लो, इन्होंने उन आदमियों को तरक्की दी जिन्होंने जुर्म करा पब्लिक के ऊपर। आज किसानों के 500 आदमी मर चुका, क्या आप खट्टर को बता नहीं सकते? इतने पत्रकार खड़े हो, क्या कह रहे हो? मेरी आवाज को बचाओ, मेरा नाम लो, आई वांट टू टॉक विद मिस्टर खट्टर। आज हमारी पढ़ी लिखी आवाम का रोक रहा है, सारे पत्रकार बताओ क्या हम गलती कर रहे हैं? बोलो, मेरा सवाल एक आपसे है, क्या हम गलत कर रहे हैं? किसी पब्लिक को परेशानी आ रही है? आ रही है कि हम पुलिस नहीं जाना थी, हमने लाख कोशिश की, डीएसपी ने करवा दिया भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उधर अपना ध्यान रखो, आपको कोई सवाल नहीं कर रहा मैं। बोलो और पूछो कोई सवाल किसी का। रोज प्रदर्शन किया जा रहा है, उस समय कुछ लोगों को परेशानी हुई, उन्होंने पुलिस ने करी थी, इसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं? इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, जब उसका परेशानी हुई पुलिस के आगे क्यों नहीं गिर गिराया? किसानों का मोर्चा खड़ा है, वो पुलिस के आगे क्यों नहीं गिर गिराया? क्या हम मरने के लिए 500 आदमी मर चुका? ये हमारा जोर देखना चाहते हैं आज हमारे घर से हम कभी बांध के निकलते हैं। अगर कोई शक हो किसी डीएसपी एसपी को मेरे साथ बात करना। अरे यार कमाल है, देख रहे कई लाइन मीडिया से, देखिए पुलिस प्रशासन और देखिए किसान कहीं ना कहीं आमने सामने हैं, उनकी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कई लाइन मीडिया पे। अम्बाला शहर के अंदर शिक्षा मंत्री ने आना था, उसका विरोध किया गया, किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने हैं, आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें के K9 मीडिया पे आप देख रहे हैं। सुबह उसके अन्न का दाना मुंह में डाल दो, आगे जो अनुपात है उन्हें इतना कर रहे हैं भाई। बने रहिए आप मेरे साथ नई अपडेट के साथ, मैं आपके साथ में दोबारा हाजिर हूँ। किसी डीएसपी एसपी को मेरे साथ बात करना। अरे यार कमाल है, देख रहे कई लाइन मीडिया से, देखिए पुलिस प्रशासन और देखिए किसान कहीं ना कहीं आमने सामने हैं, उनकी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कई लाइन मीडिया पे। अम्बाला शहर के अंदर शिक्षा मंत्री ने आना था, उसका विरोध किया गया, किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने हैं, आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें K9 मीडिया पे आप देख रहे हैं। सुबह उसके अन्न का दाना मुंह में डाल दो, आगे जो अनुपात है उन्हें इतना नहीं पता कर रहे हैं भाई। बने रहिए आप मेरे साथ नई अपडेट के साथ, मैं आपके साथ में दोबारा हाजिर हूँ। किसान बहुत सारे शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री कमरवाल बताते हो डीएसपी का रैंक पहन के अनपढ़ता किसान एकता। शिक्षा मंत्री कृष्ण पाल है ना, भी अबाला आना आया, लोगों ने समझा आया, आओ समझाओ, पर यो नहीं है के थम हजारों की तादाद मारे हर मनु मारने वास्ता, इन तो लोग समझाने चाहिए, समका कर बैठे बैठे समझाने चाहिए भाई, यहाँ ना आइयो थारे पले वास्ता है रे, अगर मारे पले वास्ता आंदा हमने बिल्कुल नहीं उड़ावा दे, इन्हें हमारी जमीन न खोसने की कोशिश करी है, तीन काले कानून लागू कर दे बिना पूछो, और उन्हों हम एक तो क्या हम तो 1% भी नहीं सह सकते उन कानूनों, क्योंकि मेरा किसान तो पहले ही कर्जे तरह दबे होया या हरे ने चिट्टी दाढ़ी वाले ने 56 रैलियां में कहदा कर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा और कर्जा मुक्त करूंगा थानू, आज तक इन्हें किसानों की जोर से हमारे 400-500 शहीद हो गए ना, उनके बारे में एक लज भी बोले जो कर्जा, अरे यार स्वामीनाथन रिपोर्ट तो कहां देगा, पर हम किसान यूनियन तनु यो कह रही है अगर 2024 तक तो बैठा रहा तेरे पते कर्जा भी मुक्त करावांगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लेंगे, तीनों काले कानून वापस भी करावांगे और हम एसपी गारंटी कानून भी तनु देगा।